सोसाइटी पर एसडीएम द्वारा लगाए गए 10,000 के जुर्माने से किसान संतुष्ट नहीं है। किसान सोसाइटी का लाइसेंस रद्द कराने और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। सोसाइटी द्वारा किसानों की करीब 5 किलो कम सरसों तोले जाने पर पुनाना के एसडीएम वैशाली शर्मा द्वारा सोसाइटी पर मात्र 10,000 रुपये का जुर्माना लगाकर उनको क्लीन चिट देने पर किसानों में भारी नाराजगी है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि आरोपी की सोसाइटी का लाइसेंस रद्द किया जाए, उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया जाए तथा 15 से 18 अप्रैल तक जितनी भी किसानों की सरसों सोसाइटी द्वारा खरीदी गई है उन सभी किसानों को प्रति बैग 5 किलो के पैसे दिलाए जाए। किसानों सोसाइटी के सरसों खरीद रही होने के अधिकारी और सरकार की मिलीभगत का आरोप लगाया है। वहीं सोसाइटी के खिलाफ कठोर कार्रवाई न होने पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन की चेतावनी तक दे डाली। किसानों ने अधिकारियों पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। कहा, जिन अधिकारियों को मंडी की देखभाल की जिम्मेदारी लगा रखी है उनमें से एक अधिकारी के परिवार का सदस्य सरसों खरीद मामले से जुड़ा हुआ है, उनसे इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती। उधर ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन एवं जिला उद्यान विभाग अधिकारी दीन मोहम्मद सोमवार को पुनाना की सरसों अनाज मंडी में पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि सरसों सोसाइटी द्वारा आज जो किसानों की सरसों खरीदी गई उसके बैग तोले हैं वे सभी पूरे पाए गए हैं। अगर सोसाइटी के कर्मचारी सरसों तोले तो किसानों के साथ धोखाधड़ी। मेरा नाम क्या है, बोल सकता हूं? मेरा नाम राजेंद्र है। राजेंद्र, ये बताओ क्या समस्या है? ज्यादातर आपके गांव के आसपास के लोग हैं, क्या समस्या है, कैसे आए आज आप? देखो जी, हम यहाँ मंडी में आए, अनाज मंडी यहाँ निश्चित की गई है सरसों की खरीद के लिए, और हमारा इलाका नहरी इलाका नहीं है, यहाँ ज़्यादातर फसल सरसों की होती है और करीब गांव में 90% लोगों के पास सरसों की फसल बहुत ज़्यादा थी। सभी लोग यहाँ 17 तारीख में और 18 तारीख में जैसे इन्होंने टर्म के हिसाब से बुलाया, इन्होंने कॉल की और लोग सरसों लेकर के मंडी में आए और 15 से खरीद शुरू हो गई थी, तब से लेकर के और 18 तक, 18 को तो विशेष मामला भी पकड़ा गया टोंडला का और बडेड से, और हमारे गांव की जब 17 को तुल रही थी हमने भी काफ़ी कहा इनसे लेकिन हमारी एक भी नहीं सुनी गई और बोलने लगे कि इसी तरह से तुलाई होगी, किसान की कोई सुनवाई नहीं थी। 10 रुपये पर कट्टा इन्होंने मजदूरी ली और जो तुलाई थी वो जो जैसा चाकी का काम होते हैं हाथ में तराजू होती है वो तराजू थी इनके पास में, इलेक्ट्रॉनिक तराजू नहीं थी, और उसमें 45 किलो की जगह 1 किलो तो इन्होंने बोरी का ही रख रखा था अलग से, और 48 किलो 49 किलो 50 किलो तक वजन उसमें पाया गया जब एसडीएम मैडम के सामने उसको तोला गया था। मैडम ने कुल 10,000 रुपये का जुर्माना किया है। हाँ मैडम ने, बिल्कुल जी, मैडम ने इनके ऊपर जुर्माना कर दिया है और किसानों की किसी भी तरह की क्षतिपूर्ति नहीं की गई है, और बार बार आश्वासन देते रहे हैं कि आपके साथ न्याय होगा, लेकिन अभी तक किसी तरह का न्याय हमारे सामने हमारे साथ नहीं हुआ है। क्या न्याय चाहते हो? हम चाहते हैं जी, जितने भी किसान 15 से लेकर के 18 तक जिनकी तुलाई हुई है, जिन किसानों की वो इनके पास रजिस्टर्ड भी हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए। उनको जितना घपला पाया गया यानी कि पर कट्टा 5 kg वो उनको मुआवजे के रूप में राशि अतिरिक्त मिलनी चाहिए, और इन जो ये घपलेबाज आड़ती हैं इनके लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए, और गवर्नमेंट ईमानदार और अच्छी छवि वाले जो आड़ती हैं उनसे हमारी सरसों खरीदवाए। मोहम्मद खालिद है और हम किसान हैं और हम यहाँ पे सरसों लाए थे जी, और उसमें प्रति बैग 5 किलो की घपलेबाजी की गई है हमारे साथ में, और एसडीएम साहिबा को भी हमने तुरंत इन्फॉर्म किया था, वो यहाँ पे मौके पे मौजूद आई और उसके सामने भी वीडियो है हमारे पास, जो गड़बड़ पकड़ी गई है उन्होंने उसको सीज कर दिया था जी, और जो बाकी माल था ना जी उस टाइम 15 से उसको जबरदस्त वो आड़तियों ने उठवा दिया, गाड़ी यहाँ से लोड होके वापस कर दी जो बाकी माल था, और हमने लिखित में शिकायत भी दी है एसडीएम साहिबा को, उन्होंने जुर्माना भी किया, लेकिन किसानों के लिए जो कोई संतुष्ट पूर्वक किसी ने आश्वासन नहीं दिया कि आपकी जो भरपाई है आपके साथ जो घपला हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। हम ये चाहते हैं किसान कि हमारे साथ जो धोखा हुआ है उसकी भरपाई की जाए या हमको लिखित में आश्वासन दिया जाए। आज
आज जो है ग्रीवेंस कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो आए हैं, क्या उनको आप लोगों ने शिकायत दी है और क्या आश्वासन दिया, क्या कहा उन्होंने? जी सर, उनको हमने शिकायत दी है और उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन हम उनकी जो जवाबी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हो पाए। एक बार तो उन्होंने कहा था कि मैं अंदर जाकर उन कट्टों को चेक कराया, तब दूसरी बार उन्होंने दूसरे वर्ड में चेंजिंग की थी कि मैंने वो चेक नहीं किए। जब मीडिया के सामने उन्होंने ये वर्ड बदल दिया कि मैंने उन कट्टों को चेक नहीं किया, और किसान एक भी अंदर नहीं, अगर चेक किया तो किसकी अनुपस्थिति में किया, और अगर नहीं किया तो हमको क्यों बताया कि मैंने चेक किया। माना जाए कि अधिकारी वालों से, मुझे तो ये पूरी गोलमाल लग रही है, यहाँ पे किसानों को जमकर काटा जा रहा है, किसानों को जम, अगर किसान पांच किसान इकट्ठे होते हैं तो ये सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन होता है, जब आरती इकट्ठे होते हैं तो कोई सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन नहीं है। किसान इसलिए भी परेशान है, अगर पांच से छह हो गए तो उनका मुकदमा दर्ज करने की धमकी देते हैं, आरती अंडर प्रेशर कर रहे हैं बार बार, उनको गाड़ी भी दे रहे हैं हमको, जब हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो हमको धमकाया भी जाता है, कोई सुनवाई नहीं है जनाब, कोई सुनवाई नहीं है। हाँ जी, गाली गलौज भी की है आरतीयों ने। क्या है, कौन सा गांव है और कब आए भाई चुप रहे, क्या शिकायत है आपकी? मेरा नाम जावल है, मैं डोडोली का निवासी हूँ। हम 17 तारीख को आए थे और हमारी ये समस्या है जी, इन्होंने 17 तारीख को हर कट्टे पे 5 किलो सरसों को मार रहे हैं जी। हमने एसडीएम साहब पे फोन किया था, एसडीएम साहब यहाँ आए थे, उन्होंने अपने आगे चेक किया, उनमें भी 5 किलो की वो पाई गई है और हमारे पास उनकी वीडियो है। अब ये कल एसडीएम साहब ने 10,000 का चालान किया, किसानों के लिए कुछ नहीं किया, हम इस पे वो कर रहे हैं जी, किसानों के लिए कुछ मिलना चाहिए। क्या डिमांड करते हैं? ऐसा जी, जो इनका लाइसेंस रद्द किया जाए और किसानों के लिए जो 5 किलो फालतू तो लिए उनका वो दिया जाए, किसानों के घर पर चीजें। ये कम से कम 1,000-2,000 कट्टे तोल चुके होंगे 15 तारीख से, 15 से 18 तारीख तक। वो ये किस चीज से तोलते थे पहले? ये बट्टों से तोलते थे जी, बट्टों से, पुराने उनसे। हाँ जी, पुराने बट्टे थे, पुराने कांटे थे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिथिलेश खान है, डुडोली से। क्या चाहते हैं आप लोग, आखिर संतुष्ट क्यों नहीं है? संतुष्ट इसलिए नहीं, यहाँ सोसाइटी है जो ये खत्म करी जाए और मंडी में ही हमारी सरसों पहुँचाई जाए, आढ़तियों से खरीदी पाई जाए, और जो हमें जो यहाँ पे जितनी हमें इसकी डिटेल दे दी जाए इनको, ये हमें भाई यहाँ पे कितना माल आया और कितना पहुँचाए हमें डिटेल दी, और जो यहाँ पे आज अधिकारी नियुक्त करा गया है दीन मोहम्मद, ये केरला गाँव से ही है, इसका एक चाचा का लड़का यहाँ पर सोसाइटी में है यहाँ पर जो खरीद कर रहा है, और इस खुद दीन मोहम्मद की भी आदत है मंडी के अंदर, इस दीन मोहम्मद के पिताजी की भी आदत है जिसको नियुक्त करा गया यहाँ पर, और पहले इसने हमें कहीं अंदर नहीं बुलाया, हम ही इससे मिले और इस बंदे ने हमारे लिए पहले तो बोला मैंने अंदर चेक कर लिया यहाँ, तो वो जो जिन कट्टों में गड़बड़ थी इसने चेक करे हैं 19 तारीख के, और जबकि वो 18 तारीख तक उन्होंने गड़बड़ करी है, वो तो यहाँ से ढुलाई कर दी है इन्होंने। आप कैसे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि दीन मोहम्मद का भाई और पिता शामिल है? मैं जो दीन मोहम्मद है ये गांव डूडोली में ही पढ़ाई करी है इसने, और ये हम उनको बाई नेम बाई फेस बाई फैमिली जानते हैं उनको, और इसका जो चाचा का लड़का है फलवा, उससे मेरी बहस भी हुई है, उसने मेरी 26 किलो सरसों 36 से रेट में लिए यहाँ पर, मेरी खुद की 26 किलो सरसों 36 से रेट में दिए, इसने कही कट्टा पूरा नहीं है, या तो इसे आप 36 से रेट में मेरे लिए दो और नहीं तो अपने को घर वापसी ले जाओ, दूसरी जगह हम बेच नहीं सकते, जबकि मेरी 32 क्विंटल रजिस्टर थी यहाँ पर। हम ये चाहते हैं जी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज, इनका लाइसेंस कैंसिल हो, और जब मैडम ने इनको दोषी ही मान लिया 10,000 रुपए का जुर्माना लगाकर, तो इनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं होता और इनके लाइसेंस रद्द क्यों नहीं होते? तो मिली भगत मानते हैं आप? मिली भगत है जी इनकी। तो फिर जो आपने दीन मोहम्मद पे भी आरोप लगाए हैं और ग्रीवेंस के चेयरमैन हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं कि भाई इनसे जो है इंसाफ मिलेगा? इससे कोई इंसाफ नहीं मिलेगा जी हमें। दीन मोहम्मद ने क्लियर आकर बाहर बोल दिया, अंदर मैंने चेक करे हैं कट्टे में कोई कमी नहीं है, पूरे हैं 45 किलो।
और मैं वहां से आया हूं, और बाद में उसको कहने लग गया नहीं मेरा तो रूटीन वो है और मैं तो रूटीन में आया हूं, मेरी कोई इंक्वायरी ड्यूटी नहीं है। बाद में हमसे बोल दिया उसने, जबकि हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग है। अगर वो मना करता है इस बात को, अगर भाई बोला हमने रिकॉर्डिंग है हमारे पास नहीं मोहम्मद की, उसकी खुद चाचा का लड़का यहाँ फलवा वो यहाँ पर एजेंसी से तुलाई कर रहा है उसके, और उसकी खुद की दीन मोहम्मद के पिताजी की यहाँ पर आदत है खुद की मंडी के अंदर, उससे क्या वो कर सकते हैं? जब पुनाने में जी पुनाने में यहाँ नहीं यहाँ इसके चाचा कर रहा है तुलाई, तो मैंने हमसे तुलाई ली है जबकि 2.5-3 रुपये। सर आपने आज दौरा किया है और किस तरीके से, या वर्बली दौरा है, रूटीन का दौरा है, या कोई शिकायत मिली थी, अब क्या आपने देखा है, क्या है मामला? ये मेरा एक रूटीन चेकअप का दौरा है, मैं यहाँ ग्रीवेंसेज कमेटी का चेयरमैन हूँ, तो मेरी ड्यूटी में ये आता है कि मैं रूटीन में सभी मंडियों की चेकिंग करूँ। मेरे पे स्पेसिफिक किसी की कोई कंप्लेंट नहीं आई थी। हाँ, इतना मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि इससे पहले कुछ वेट यहाँ ज़्यादा कर रहे थे लोग, तो SDM साहब ने उनको खुद अपनी प्रेजेंस में उनका वेट करवाया है, और वो कुछ उसमें गड़बड़ियाँ मिली हैं जिसकी वजह से SDM साहिबा ने जो है उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी किया। ये मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, बाकी मेरे पास एज सच कोई कंप्लेंट रिसीव नहीं हुई है, ना मेरे को किसी ने कोई कंप्लेंट दी है। अच्छा, अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आई? नहीं, मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई है। मेरा ये रूटीन चेकअप था जिसमें मैंने 2-3 चीज़ें चेक की हैं। एक तो सभी को मैंने यहाँ मास्क बंटवाए हैं, और पानी का यहाँ व्यवस्था नहीं थी तो वो भी हमने अरेंजमेंट करवाया है, और इधर उधर जो स्टॉक लगे हुए उन सारे स्टॉक से 5-5 बैग का हमने वेट करवाया है। सभी बैग जो है कोई 45 किलो 600 ग्राम के 45 किलो 650 ग्राम के आसपास पड़ता है, तो वो एज पर नॉर्म है। तो अभी जो यहाँ के किसान हैं या लोकल हैं, शायद उनको अभी तक ग्रीवेंस, इनको ये जानकारी ना हो कि भाई ग्रीवेंस कमेटी भी है यहाँ जो इनकी सुनवाई करती है, इस तरीके से कोई अपना कमेटी का कोई नंबर जो उस पर शिकायत कर सकें, ऐसी जगह जहाँ कोई लिखित शिकायत दे सकें, ऐसा लोगों का? ये बात आपकी जायज़ है। हमने जो है इसके मेन गेट, जो परचेजिंग सेंटर का मेन गेट है, उस पर इसको मार्केट कमेटी के बंदों को बोला है कि वो बड़े बड़े उसमें वर्ड्स में मेरा नंबर भी डिस्प्ले करें और मेरा नाम भी डिस्प्ले करें कि अगर किसी को ग्रेवेंसीज है तो वो इन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो कब तक का टाइम दिया है? अभी आधे घंटे में आपको डिस्प्ले मिलेगा, वो तो टाइप कर रहा है वो लड़का। तो यहाँ लोगों को वक्त पे उनकी शरीर खरीदी जाए सरसों, और सही तोल हो, सही दाम मिले, तो इसलिए क्या आप लोगों ने जो है इनको आदेश दिए हैं, और क्या जितने भी यहाँ ट्रैक्टर खड़े हैं इन कल से ये सस्पेंड कर दिया था सेंटर एक बार पिनंगवा का, तो अब ये दोबारा से चालू कर दिया है, और सभी का हमने मार्केट कमेटी वालों को भी, वे हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन वाले को भी बोला है कि सभी किसानों की सरसों परचेज होनी चाहिए एक एक दाम, और उन्होंने अब परचेजिंग शुरू कर दी है, वो ट्रैक्टर आ भी रहे हैं।